चल रहा है उल्वी? कौन है? नहीं नहीं भाई, वो फ्रेंड है मेरी। ऐसा? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सनी थोड़ा सा फनी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। आज हम व्लॉग स्टार्ट किए हैं न्यू घर से। भाई वो दिन दूर नहीं है अब जब मैं पूरा घर बन गया होगा, मैं गार्डन से व्लॉग की स्टार्टिंग करूंगा। मस्त चाय के जूस पिएंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन बहुत सारा काम हो चुका है घर पे। ये देखो, दिखाता हूँ मैं। खिड़कियाँ लग चुकी है, यहाँ पे बाकी है खिड़कियाँ। और नीचे हमने ये फ्लोरिंग पे ये शीट लगा दी है, जिसके कारण कुछ भी अभी काम चलेगा। अभी तो सीलिंग का काम चलेगा, फर्नीचर का काम चलेगा। तो नीचे जो टाइल्स हमने लगाई है उस पर स्क्रैचेस या फिर कुछ डैमेज ना हो, दैट्स वाई हमने, क्योंकि अभी और 4 महीने काम चलने वाला है, उसके कारण डैमेज ना हो कोई भी टाइल्स या फिर स्क्रैचेस ना आए, इसके लिए हमने ये शीट पूरे घर में लगा दी है। अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बाकी है भाई, खिड़कियाँ विड़कियाँ लग चुकी है, दरवाजे लग चुके हैं। देखो वहाँ पे दरवाजे, इसके ऊपर तो अच्छी सी डिज़ाइन वाला फिनिशिंग आएगा सब पे। यहाँ पे भी लग चुका है, यहाँ पे भी लग चुका है। तो इसके ऊपर अच्छी वाली सनमाई का लगाएंगे, मस्त वाली हैवी वाली। और चलो यहाँ पे भी खिड़कियाँ लग चुकी है। बाथरूम, ये है मेरा बाथरूम। यहाँ पे कमोड आने वाला है, यहाँ पे बेसिन, इधर बीच में मिरर लगाने वाला हूँ। वहाँ पे शावर लेंगे, मस्त नहाएंगे धोएंगे। अच्छा लग रहा है बाथरूम भाई। बाथरूम को लेंगे, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि बाथरूम मेरा ये नहीं था, कुछ अलग सिलेक्ट किया था। फिर वो वाली जो टाइल्स थी ना, वो आने में देर हुई, तो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कुछ अलग सिलेक्ट कर लो। तो मेरे को वो वैसे भी सिंपल लग रही थी, फिर मैंने ये वाली टाइल्स देखी और ये बहुत मस्त है। वो वाली टाइल्स से तो बहुत अच्छी है। भगवान चाहते थे कि मैं अच्छा और सुंदर बाथरूम बनाऊँ। ऊपर सीलिंग की डिज़ाइन लग चुकी है और सीलिंग की फ्रेमिंग यहाँ लग चुकी है, लेकिन अंदर सब सामान है, तो सीलिंग वाले भैया ने लॉक मारा है, सामान अंदर रखा हुआ है। ओ यहाँ पे तो देखा ही नहीं, यहाँ पे भी सीलिंग की फ्रेम लग चुकी है। यहाँ पे ऊपर हम, यहाँ पे मंदिर आने वाला है ना, दैट्स वाई यहाँ पे कुछ ऐसा हमने बोला है कि क्या बोलते हैं, साथिया आता है जो अपने इंडियन कल्चर साथिया बनाते हैं, तो वो साथिया हम उसको लेके कुछ सीलिंग पे यहाँ पे लगाने वाले हैं। इसके अंदर भी भाई लोग के रूम में भी सारी चीजें हो चुकी है, फ्रेमिंग मेरे में बाकी है और नीचे बाकी। 3 दिन फ्रेमिंग में जाएगी, उसके बाद 4 दिन सीलिंग होने में जाएगी, 1 हफ्ता सीलिंग में जाएगा। और ये फ्रेमिंग होने के बाद तुरंत साइड में वायरिंग का भी काम स्टार्ट हो जाएगा। वायरिंग जो करना है पूरे घर का, वो भी भाई मस्त अपना घर रेडी हो रहा है। अच्छा लग रहा है भाई, फीलिंग वेरी 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 ग्रेटफुल। ये मैंने घर लेने का जो डिसीजन लिया बहुत सही लिया। लगता है ना भाई, घर लेने के लिए डिसीजन जो लेना होता है ना, वही मेन होता है कि नहीं ले पाते। बहुत लोग बहुत सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, इतने पैसे कैसे करेंगे, लोन लेंगे कैसे, ईएमआई भरेंगे, 20 साल तक ईएमआई चलेगी, क्या है यार। अपने खुद पे ट्रस्ट हो, खुद पे विश्वास होना, तो सब कुछ चीजें पॉसिबल है। 20 साल की ईएमआई हम 5 साल में भी भर सकते हैं। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है और खुद पे ट्रस्ट रहना बहुत जरूरी है। खुद पे विश्वास रखो तो पूरी दुनिया जीत सकते हो। भाषण मैं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे रियली मेरे को बहुत रिस्क और बहुत डर भी लगा था कि घर लेना है, लेकिन बहुत बड़ी बात होती, छोटी बात नहीं। और महंगा घर, बड़ा घर, तो क्या होगा कैसे होगा, लेकिन हो रहा है। अभी तक तो सब भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। बाकी आप सबकी दुआ रही तो बहुत ही और भी ज़्यादा बहुत अच्छा होगा। मैं तो ऐसे ही पॉजिटिव लेके ही चलता हूँ कि ये जर्नी जो घर बनने की जर्नी है, उसके पैसे भरने की जो जर्नी है, वो उसके बीच में कुछ ऐसा होगा कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो ऐसी मैं विचार धारणाएं लेके चल रहा हूँ और वैसा ही होगा, अच्छा ही होगा। बाहर का ओटा भी रेडी हो चुका है, ओटला हमारे में बोलते, पता नहीं तुम लोग क्या बोलते हो। लेकिन यार बाहर एक चीज़ बिल्डर ने करने नहीं दी हमको, हमारी अंदर वाली जो टाइल्स है, हमने बिल्डर की एक भी टाइल्स नहीं ली, आपको पता है। तो बिल्डर ने टाइल्स दी थी, जो भी दिया था ना, हमने कुछ भी एक चीज नहीं ली है बिल्डर की, क्योंकि भाई हमको थोड़ा प्रीमियम सारी चीजें चाहिए थी, तो हमने अलग से लिए। तो हमारी ये टाइल्स जो है इतनी बड़ी है, बिल्डर की इतनी छोटी थी, इसके थर्ड पार्ट में आ जाइए इतनी छोटी थी। तो हमको ये अंदर वाली टाइल्स ही बाहर डालनी थी जो यहाँ पे है वो, लेकिन एलिवेशन खराब हो जाएगा, उस चक्कर में डालने नहीं दी भाई, क्या इतने में एलिवेशन खराब हो जाएगा। लेकिन सही है, सबके नियम रूल्स रहते हैं, तो ये हमको पसंद नहीं आया। बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब अपने हिसाब से हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साहब आज तो भाई जन्नत है सबके लिए, मतलब धूप का धब्बी नहीं है आज। आज तो मौसम बहुत ही जबरदस्त हो रखा है भाई, बारिश आने वाली है क्या? बारिश, इतना प्यारा मौसम है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, जरा सी भी धूप नहीं है कहीं पे भी, भयंकर भाई, इतना प्यारा मौसम है। तो गाइस ऑफिस पहुंच चुके हैं और आज मैं 10 बजे पहुंच चुका ऑफिस, क्योंकि मुझे स्क्रिप्टिंग जो हमारी हो चुकी है वो लिखनी है। यश आ रहा है तो मैं बताता जाता हूँ, उस हिसाब से वो लिखता जाता है, तो हम लिखते हैं।
कुछ आइडिया वो भी शेयर करते हैं, कुछ हम भी शेयर करते हैं। ऐसे तो स्क्रिप्ट पूरी डनी होती है, रिकॉर्डिंग हम जब भी स्क्रिप्टिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो रिकॉर्डिंग सुन सुन के और कुछ कुछ मैं इम्प्रूव करता जाता हूँ लिखते समय। तो आज लिख रहे हैं, कल शूट है, कल शूट कर देना है क्योंकि परसों संडे है, तो थोड़ा बहुत शूट बाकी रहेगा तो परसों भी हो जाएगा। तो संडे शाम को, कल शाम को हमारा मैच देखने का प्रोग्राम है, इतना बड़ा मैच है और पता नहीं क्या होगा। जो भी मैच, जो भी टीम हारेगी दोनों के लिए दुखी होगा, ये मैच देखते समय दुखी होने वाला है क्योंकि एक साइड विराट भाई है और एक साइड हमारे महेंद्र सिंह धोनी। देखते हैं, हमने पूरा प्लान सेट किया हुआ है, इधर प्रोजेक्टर वोजेक्टर ये वो, खाना पीना मस्त करेंगे कि कल शूट करते खतरनाक वाला। और आज मेरा दिन थोड़ा हैक्टिक है आज, क्योंकि 2 बजे एक और मीटिंग भी है, तो उससे पहले मुझे कुछ ज्यादा से ज्यादा लिखने का काम खत्म करना होगा और 4 फिर उसके बाद हम शूट करने वाले लवारा का। पहले वीडियो पे तो आपने बहुत प्यार बताया, दूसरा भी शूट कर देने वाले हैं आज, और उसके बाद मेरे को ये रील शूट करना है RCB वर्सेस चेन्नई वाला, मैंने लिखा हुआ है प्यारा। ओफ यार शिट, चाबी रोहित ने मुझे घर पे दी थी, घर पे रह गई यार। ये बैग में ही डाल दे रहा था, मैंने बोला ठीक है कोई नहीं रख दे उधर ही, मैं ले लूंगा, नहीं रहा माइंड में, मैं इधर आ गया यार। चाबी घर पे, अभी क्या करूं, अब किसके पास मंगवाऊं, इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को। लेकिन ये सब छोटी छोटी चीज मेरे से नहीं याद रहती, तो इसीलिए रोहित ये बैग में ही डाल रहा था। अभी पोर्टर किया है मैंने, रोहित को बोला कि पोर्टर करवा दे वो घर घर से, अब वो पोर्टर कर रहा है, इधर आएगी मतलब आधा घंटा वेस्ट, जब इतना सारा काम था तभी वेस्ट आधा घंटा यार। चलो भाई कोई नहीं, पोर्टर वाला आ रहा है। लेकिन मैंने सोचा टेरेस पे जाते हवा आएगी मस्त, और है हवा। तो मौसम देखो भाई, आज बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि विंटर आ चुका है, ऐसा लुकिंग देखने वाइज ऐसा लग रहा है। बाकी ठंडी तो नहीं है, गर्मी लग रही है। इधर से अपने चाय वाले को एक संदेशा देते है कि चाय भिजवाओ, ये अपना चाय वाला इधर है, ये देखो इधर। अब मेरा आवाज भी दबा हुआ है तो वहां तक पहुंचेगा भी नहीं भैया। वैसे तो अभी ठीक हो गया, और मैंने भाई कल के व्लॉग में कमेंट्स पढ़ी, कल नहीं परसों वाले व्लॉग में, जब मैंने मेरा आवाज़ चला गया था वो वाले व्लॉग में, आपकी बहुत सारी प्यारी प्यारी कमेंट्स थी, थैंक यू सो मच। मैंने बोला था कि कौन लोग पहले से देखते हैं, मेरे पहले भी ऐसा हो चुका था, तब किसने देखा था वो लोग कॉमेंट करे, इतने कॉमेंट्स आए आप सभी के, बहुत लोग हैं जो पहले से देखते अभी तक, थैंक यू सो मच भाई, जुड़े हो आप अभी तक। बस आपको यही प्रॉमिस करता हूँ ऐसे ही जुड़े रहो, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीज़ आने वाली है। अभी मैं बहुत सी चीज़ों में मेरा टाइम दे रखा है, तो धीरे धीरे वो उभर गया आपके पास, तब बहुत मजा आएगा। अभी भी आपको फुल्ली एंटरटेन करने की ट्राई कर ही रहे, लेकिन और ज्यादा करेंगे, बस जुड़े रहेंगे, मजा आएगा, मजे करेंगे। भैया पोर्टर वाले भैया आ चुके हैं, ऊपर आ रहे हैं, ले लेते हैं फटाफट से उसे चाबी और काम स्टार्ट करते हैं। 11:30 बज चुके हैं, पूरे टाइम की वार्ड लग चुकी है, पता नहीं अभी एक प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा, वो हम कर सकते हैं शायद पॉडकास्ट, देखते हैं अभी क्या होता है। Finally we are in our office. Finally भाई 150 रुपए की पड़ी चाबी, वहां जाके ले जाते लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होता, और भी ज्यादा टाइम वेस्ट हो। अब आ गए पोर्टर वाले भैया भी आ गए, लेकिन हमारा यश भाई नहीं आया अभी तक। विदाउट टाइम वेस्टिंग पूजा पूजा करते और काम स्टार्ट करते। क्या चल रहा है? कौन है? नहीं नहीं भाई, वो फ्रेंड है मेरी। ऐसा है? हाँ, सूट के लिए है ना वो। हाय, फोटो खींच रहे भाई हम थंबनेल के लिए। इधर इधर कुछ नहीं है, देख सकते। आपको क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं थी कुछ। सब उर्विल को जानते ही होंगे। नहीं भाई, उर्विल सब जानते हैं, उर्विल का उर्विल कैसा है, उर्विल कैसा है, ऐसा नहीं, उर्विल कैसा है, उर्विल कैसा है, मतलब अच्छा है, बहुत संस्कारी सुशील, देख लड़की के जैसे बैठ गया, उर्विल लड़की है। हमारे पास पूरी IPL की टी शर्ट से देखो सब, सारी की सारी। हाँ RCB, वो RCB नहीं दिल्ली जा, तो पता तो है ना कौन सी टी शर्ट किसकी है। ये भी चेन्नई, चेन्नई तो पता ही होता है भाई, थाला फॉर अ रीजन। और ब्लू कलर वाली मुझे। हाँ, बस और पिंक भी पता होगी ना तेरे को। देव पानी है, पानी वाने कौन बताइए। बहुत गुस्सा आता है, ये देव पावर लेके आना भाई, अभी वो मत बोलना पावर लेके आ जा, 20 रुपए का पावर लेके आ भाई, नीचे जनरेटर है वो कनेक्ट करवाओ, कितने मिलियन व्यूज वाला रील आने वाला है, हम लोग इन लोग को 15-15, 20-20 हजार, इतना करोड़ मिलियन वाला व्यूज वाला तूने कुछ नहीं।
गया। क्या बोल रहे हैं तू? कहाँ से बनवाया है पीसी सब? ये पीसी लॉस एंजलिस में मेरे एक पापा के फ्रेंड रहते हैं, रॉबर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने बनाया था। उम्मीद तो था तुमसे कि उसी से बनवाओगे। 40 अराउंड गया है। ओके 40 करोड़। 40,000 करोड़। ओह माय गॉड। ओवर थोड़ा थोड़ा 1-2 हज़ार ऊपर जा रहा है। 40,000 करोड़ का ये है और वो वाला जो है वो अराउंड 20,000 करोड़। मेरे को भी बनवाना था। 1-2 हज़ार करोड़ ऊपर जा रहा है, बजट के बाहर जा रहा है। नहीं तेरा 40,000 करोड़ में थोड़ी बना, तेरा तो 400,000 करोड़ में बनेगा ना, क्योंकि तेरा पीसी इतना बड़ा होगा, तू खुद इतना बड़ा है, खर्चा ज्यादा है, अंदर सामान ज्यादा लगेगा, और आदमी भी वो क्रेन से पूरा पीसी का पैनल बैठाना पड़ेगा और वो सब करना पड़ेगा, भी खर्चा। और वो लॉस एंजलिस में नहीं बनेगा, वो दुबई जाना पड़ेगा, लंबा लंबा सब बड़ा बड़ा उधर ही बनता है। समझा? तो ये मतलब करोड़ों का है ये सब चीज। ये गेट है ना, ये गेट पूरा ये गोल्ड था, उसको लावा में पिघला के रेड किया है, और ये 135,000 करोड़ का कम से कम हुआ है। समझा? मतलब इतना तो है ही, रहता ही है ना भाई, इतना खर्चा तो हो जाता है, इतना खर्चा तो होता है। ये लाइट जो है ना, लाइट ये खुद हम जाके, हम खुद गए थे चांद के पास और वहाँ से रोशनी मंगवाई है और वहाँ से लेके आए, और ये अराउंड 3 खरब करोड़ आई गेस था, 3 खरब करोड़ में गया था। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पिता छोड़ दे। जीरो कितना? मैं जीरो मुझे भी नहीं पता भाई, वो तो बैंक से कट गए थे। ये गिटार जो है ना, माइकल जैक्सन, यू नो माइकल जैक्सन, वो डांस करते करते गिटार वगैरह सब बजाता था। ओके तो माइकल जैक्सन को 1.5 महीना मैंने कमरे में बंद करके ये गिटार बनवाया था। और वो हाँ, और कमरा बहुत बड़ा था, वो कमरा 1,500 करोड़ स्क्वायर फीट का कमरा था, क्योंकि वो एक जगह खड़ा नहीं रहता। ओके वो इसने गिटार कैसे बनाया, वैसे करते रहते। रामचा मामा अनकाय संग तू का, वो करते रहता है, करते करते कहाँ चला जाता है। बहुत बड़े कमरे में ये गिटार बनाया था। चला जा बहुत, ये करीबन 400 करोड़ दिराम में बना था। ये दिराम पता है ना, दिराम तुझे? हाँ दिराम, हाँ एकदम। पता क्या हूँ, कुछ पता नहीं, और गरीब लोग। देखो मैंने आधी प्रॉपर्टी दिखाई है। मैं कभी मैं फ्री होऊंगा ना, मेरे का बिजनेस वगैरह सब चलता रहता है। अभी ऊपर हेलीपैड में हेलीकॉप्टर आके खड़ा है, मेरी राह देख रहा है, जाना है मेरे को घर, उसे सब चलता रहता है, तब बताऊंगा। अभी ये पेंटिंग जो है ना, ये पेंटिंग, ये लंदन के एक गांव में, लंदन में एक गांव है डोंबिवली करके, तो उसमें एक आर्टिस्ट रहता है, वो आर्टिस्ट का खून है ना काला निकलता है, लाल नहीं निकलता, तो उसने अपने खून निकाल निकाल के वो खून से पेंटिंग बनाई है, और अभी भी वो आधी पेंटिंग है, मतलब समझ रहा है ना, तो उसकी याद में वो मर गया अभी, तो वो काले खून वाला ढूंढना पड़ेगा। आपको गाइस कोई पता है काले खून वाला तो कमेंट करो उसका यूजर नेम, हम जाएंगे हेलीपैड हेलीकॉप्टर में और लेके आएंगे सब लोग। ये सब है मतलब, इतना तो हो ही जाता है खर्चा। ये शूज देख, इतने करोड़ के शूज है, इतने महंगे थे कि सॉक्स लेने के पैसे नहीं रहे मेरे पास। 5,000 करोड़। उर्विल के अंदर क्लाइंट है अभी, देख। उर्विल भाई, अरुल भाई हमें निकलिए, हम जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं, तेरे को इन्फॉर्म तो कर रहे हैं ना दूसरे की, है ना? बस रहने दे, एकदम सीरियस। अंदर क्लाइंट है उसके भाई। 1 घंटे के ट्रैफिक से निकला हूँ, इतना भयंकर ट्रैफिक है ना, ये टाइमिंग बहुत खराब है, जो टाइमिंग में मैं निकला हूँ ना, मुंबई जैसा ट्रैफिक था, मुंबई मेरी जान। वेलकम करने ऐसा बंदा खड़ा हो तो कौन घर पे नहीं आना चाहेगा, इतना प्यारा वेलकम होता है ना, तो घर पे आने का मन होता है। मरो झिंगू, मरो झिंगू, मरो चिकलू चिकलू। उर्वेल भाई, उर्वेल भाई, उर्वेल।